आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज बयान टीवी। और वहाँ 40 साल तक उस विद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रहे। भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे और आगरा विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। इस मानव जाति के इतिहास में इतना दुर्लभ रत्न आपको मिलना मुश्किल है। ये किसी पॉलिटिक्स में नहीं थे, ना कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन इनकी प्रतिभा को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया। जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं था, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको एक पद दिया। इनकी विद्वता को देखते हुए इनको भारत का उपराष्ट्रपति का पद से नवाजा और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। ये बहुत ही दार्शनिक, इन्होंने हिंदू धर्म की एक वैज्ञानिकता पूरे संसार को बताई है। 1962 में जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके कुछ फॉलोअर्स थे, बहुत विद्वान थे, बड़े साइंटिस्ट थे, पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स फैले हुए थे, शिष्य फैले हुए थे। उन्होंने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा किस रूप में मनाया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जो जन्म है वो एक टीचर्स के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया है लेकिन मैं इस मुकाम पर आया हूं ये केवल टीचर्स के रूप में है। टीचर नहीं होते तो मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विद्वता पे अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी, इतने उच्च कोटि के, क्योंकि इनका जो अंदाजे बयां था बहुत जबरदस्त था। जहां भी ये कहीं खड़े होते थे, किसी भी सभा में इन्होंने भाषण दिया तो इनके श्रोता दूर दूर तक सुनने के लिए आ जाते थे। सर की उपाधि मिली और 16 बार भारत सरकार ने इनका नाम नोबल पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया, लेकिन कुछ राजनीति थी कि भारतीयों के साथ कुछ गैर बराबरी वाद है, लेकिन इनको नोबल पुरस्कार नहीं मिला। इसमें 1952 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। अब देखिए कि टीचर मतलब एक सिंपल आदमी, सिंपल सिटी, इस मुकाम पर पहुंच सकता है केवल अपने ज्ञान के बल पर। इनके एक बेटा है, अभी भी है, वो भारत का बहुत बड़ा इतिहासकार है, गोपाल स्वामी नाम है। आपने वीवीएस लक्ष्मण का नाम सुना है? ये वीवीएस लक्ष्मण भारत के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, भारत के कप्तान भी रहे हैं, वे भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खानदान के हैं। अंग्रेजों ने तो उन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से जाना, क्योंकि आज तक किसी ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में नहीं हराया था, लेकिन उन्होंने दोनों पारी में बहुत अच्छा स्कोर किया और पूरे इतिहास में, मतलब क्रिकेट इतिहास में वीवीएस लक्ष्मण का नाम हमेशा याद किया जाएगा, है अभी भी। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, इस शिक्षक दिवस के रूप में हमें आप लोगों को ये प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये टीचर के चरणों में ही सफल हो सकता है, और कोई ऐसा चीज नहीं है। राधा स्वामी कहते थे, कृष्ण सर्वपल्ली राधा कृष्ण, कि गुरु जो टीचर्स है, जब तक इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला रहेगा, टीचर की जो गरिमा है वो हमेशा दब जाएगी। जब आदमी पाखंडवाद से और अंधविश्वास से निकल जाएगा, वो टीचर की रोशनी, टीचर क्या है उसके दिलो दिमाग में वो रोशनी आ जाएगी। 17 अप्रैल 1975 को ये भारत माता का लाल सदा सदा के लिए लंबी बीमारी की के कारण इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इतिहास में इनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा। 5 सितंबर को हमेशा टीचर्स डे के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। केवल उसी महान आत्मा की को हम श्रद्धांजलि देते हैं, उस आस्थावान व्यक्ति को
कि जिन्होंने पूरी अज्ञानता से हमें एक रोशनी की तरफ ले गए हैं। उन्होंने बताया है कि हमारा जो जीवन है वो शिक्षक के माध्यम से हमें सफल हो सकते हैं, और नहीं तो हमारा जीवन ऐसा ही बिल्कुल कटी पतंग की तरह हमारा जीवन राह पर नहीं चल पाए। बयान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।